किया सोनेट। किया मोटर्स का इंडिया में तीसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च होने से पहले ही बहुत पॉपुलर हो गया है। किया सोनेट की बुकिंग्स ओपन होते ही पहले 15 से 20 दिनों में किया सोनेट की करीब करीब 25,000 बुकिंग हो गई थी और किया मोटर्स का किया सोनेट को एक साल में 1,00,000 यूनिट्स को बेचने का टारगेट है और 50,000 यूनिट्स को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। किया मोटर्स के टारगेट और इन बुकिंग्स को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किया सोनेट भी किया सेल्टोस की तरह ही सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि किया सोनेट में कम प्राइजेस के अंदर बहुत कुछ मिलता है। गाड़ी में कुछ बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स है तो कोई फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स है, पर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कार इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। तो किया सोनेट में भी काफ़ी कुछ कमियां और खामियां हैं जिन्हें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगभग हर कोई यही कह रहा है कि किया सोनेट में ये है, किया सोनेट में वो है, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं, क्योंकि निगेटिव से पहले पॉजिटिव्स पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट, डिज़ाइन। कार को डिज़ाइन करते वक्त वाकई में किया मोटर्स ने कुछ भी कसर नहीं छोड़ी है। चाहे फिर मैं बात करूँ गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की, रियल प्रोफाइल की, या फिर गाड़ी के इंटीरियर की, डिज़ाइन के मामले में किया सोनेट में कोई भी कमी नहीं है। किया मोटर्स का कहना है कि गाड़ी का डिज़ाइन बेबी एलिफेंट से इंस्पायर्ड है। ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ही मॉडर्न और एग्रेसिव है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, फीचर्स। सब जगह पर किया सोनेट के फीचर्स की ही बात हो रही है। किया सोनेट को लॉन्च होने से पहले ही इतना बड़ा फैन बेस मिलने का असली कारण किया सोनेट के हाई एंडेड फीचर्स है, और वाकई में किया सोनेट में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 10.25 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लोअर ट्रिम मॉडल्स में 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट यूनिट मिल जाता है। गाड़ी में 57 कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं। वैसे ही फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED साउंड बूट लाइटिंग, एयर प्यूरीफायर विथ वायरलेस प्रोटेक्शन, वायरलेस चार्जिंग, फॉलो मी हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम, जैसे और भी कई सारे फीचर्स किया सोनेट में मिल जाते हैं। गाड़ी में हेलो किया वॉइस कमांड फीचर मिल जाता है, जो कि किया सेल्टोस से ही लिया गया है। इस फीचर की मदद से आप AC का टेम्परेचर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पावर विंडोज, म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल्स, जैसे और भी कई सारे कंट्रोल्स को आप वॉइस कमांड के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। और इस फीचर्स की खास बात यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड फीचर जल्दी इंडियन लैंग्वेजेस में भी अपडेट हो जाएगा। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक एंड मटेरियल यूज्ड इन इंटीरियर। किया सोनेट के इंटीरियर में यूज हुई प्लास्टिक और मटेरियल क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। डैशबोर्ड का टच एंड फिनिश बहुत ही बेहतर है। फिट एंड फिनिश सेगमेंट में बेस्ट है और बटन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, लार्ज बूट स्पेस। गाड़ी में फर्स्ट इन सेगमेंट 392 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं मिल जाता। इस सेगमेंट में किस गाड़ी में कितना बूट स्पेस मिल जाता है यह आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। किया सोनेट में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में बेस्ट है। किया सोनेट को लॉन्च होने से पहले किया सोनेट में 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ऐसी चर्चाएं बहुत हो रही थी, पर असल में किया सोनेट में 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सेगमेंट में सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है, जो कि 209 mm का है। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट, वेरिएंट्स। किया सोनेट में बहुत सारे ट्रांसमिशन और इंजन ऑप्शंस के साथ कुल मिलाकर किया सोनेट में 17 वेरिएंट्स के ऑप्शन अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें कि HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस और GTX प्लस ऐसे वेरिएंट ऑप्शन दिए गए हैं। आगे इन वेरिएंट्स को इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस के साथ कैटेगराइज किया गया है। सेवेंथ पॉजिटिव पॉइंट, परफॉर्मेंस। किया सोनेट का परफॉर्मेंस बेस्ट इन सेगमेंट है, जिसमें कि किया सोनेट में 1.2 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर TGDI पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये इंजन ऑप्शंस अच्छे खासी पावर और बेहतरीन टॉर्क के साथ आते हैं। ओवरऑल गाड़ी की रोड प्रेजेंस और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। गाड़ी में मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT और ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि इतने सारे ट्रांसमिशन ऑप्शंस सेगमेंट में किया सोनेट में ही मिल पाते हैं। एट पॉजिटिव पॉइंट, बिल्ड क्वालिटी।
किया सोनेट की क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं कराई गई है, पर सेल्टस ने क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है और कुछ रियल लाइफ एक्सीडेंट में भी किया वालों की बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन साबित हुई है। यहाँ पर मैं सिर्फ गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना कि सेफ्टी फीचर्स के बारे में। किया सोनेट के बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा गाड़ी के डोर्स को क्लोज करते वक्त आता है, और एक्सपर्ट्स का कहना है कि किया सोनेट क्रैश टेस्ट में अपने बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी की वजह से 4-स्टार या फिर 5-स्टार रेटिंग हासिल करेगी। 9th पॉजिटिव पॉइंट, एसी परफॉर्मेंस। जहाँ तक इस गाड़ी की रोड टेस्ट लेते वक्त हॉट वेदर्स में गाड़ी का एसी यूनिट बहुत ही बेहतर परफॉर्म करता है और गाड़ी का केबिन कुछ ही मिनटों में कूल डाउन हो जाता है। गाड़ी में रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल कार को कूल डाउन होने में काफ़ी कम समय लगता है। तो ये तो थे किया सोनेट के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं किया सोनेट के निगेटिव पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है सेफ्टी फीचर्स। किया सोनेट के बेस मॉडल में बहुत कम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। गाड़ी के लोअर ट्रिम मॉडल्स में अल्टो के बराबर सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें कि HTE, HTK में फ्रंट ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD मिल जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम टाटा नेक्सॉन के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स पर बात करें तो टाटा नेक्सॉन में ABS विथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट ड्यूअल एयरबैग्स जैसे बेहतरीन से बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल में मिल जाते हैं। मतलब कि आप एक कार को वैल्यू फॉर मनी कहते हो और लोअर ट्रिम मॉडल्स में अल्टो के बराबर सेफ्टी फीचर्स देते हो, ये कहाँ की बात हो गई भाई। यहाँ पर टाटा और महिंद्रा बेस वेरिएंट में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड करता है, गाड़ी के टॉप वेरिएंट में तो कोई भी सेफ्टी फीचर्स को देता ही है। सेकंड निगेटिव पॉइंट, प्राइजेस। वाकई में गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस कम है, पर अगर बेस वेरिएंट में अल्टो के बराबर सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे तो लोग मिड वेरिएंट की तरफ ही जाएंगे, पर वहाँ पर भी बहुत कुछ नहीं मिल जाता। जबकि टाटा नेक्सॉन के एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 8.36 लाख में सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पर किया सोनेट के एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से किया सोनेट में सनरूफ का ऑप्शन 10 लाख में आता है। और तो और, जिन फीचर्स की वजह से किया सोनेट को इतना बड़ा फैन बेस मिला है, वो फीचर्स सिर्फ और सिर्फ GTX वेरिएंट में ही मिल जाते हैं, जबकि सोनेट का GTX वेरिएंट एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से 12 लाख तक मिल जाता है, और इस GTX वेरिएंट की ऑन रोड प्राइजेस 2-3 लाख और बढ़ जाएंगी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम सेगमेंट की और गाड़ियों की बात करें, या तो उनका टॉप वेरिएंट इनसे सस्ता है, या फिर इनमें फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। थर्ड निगेटिव पॉइंट, गाड़ी में कोल्ड ग्लोव बॉक्स ही नहीं दिया गया है। जबकि टाटा टियागो जैसी हैचबैक में कोल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, पर सोनेट जैसी SUV में कोल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं मिल जाता। फोर्थ निगेटिव पॉइंट, रियर सीट्स आर अनकम्फर्टेबल। वैसे तो ये सब गाड़ियाँ एक SUV नहीं है, ये सारी गाड़ियाँ एक सब कॉम्पैक्ट SUV यानी कि क्रॉसओवर SUVs है, पर एक सब कॉम्पैक्ट SUV होने के बावजूद किया सोनेट स्पेस के मामले में काफ़ी पीछे है। गाड़ी में 392 लीटर का बूट स्पेस तो मिल जाता है, पर इसी वजह से सेकंड रो में स्पेस ना के बराबर मिल जाती है। लेग रूम और हेडरूम की तो बात ही छोड़िए, अगर कार में एक 6 फीट का इंसान बैठता है तो उसे लॉन्ग ट्रिप्स में बहुत दिक्कत हो सकती है, पर अगर गाड़ी के पैसेंजर्स ही कंफर्टेबल नहीं होंगे तो इतने बड़े बूट स्पेस की क्या आवश्यकता है, ये कुछ समझ नहीं आया। फिफ्थ निगेटिव पॉइंट, गाड़ी में रोल ओवर मिटिगेशन ये फीचर ही नहीं मिल जाता, जो कि ये फीचर टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में मिल जाता है, पर किया सोनेट में ये फीचर ही मिसिंग है। इस फीचर्स को किया मोटर्स ने किया सोनेट में दिया ही नहीं है, जबकि ये फीचर टर्न लेते वक्त बेहद ही मददगार साबित होता है। सिक्स्थ निगेटिव पॉइंट, गाड़ी में पीछे की तरफ सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में 4-4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, पर इन 2 सेंसर्स की वजह से गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करते वक्त गाड़ी के कॉर्नर्स का खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी को टाइट स्पेस में पार्क करते वक्त गाड़ी के पार्किंग सेंसर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 7th निगेटिव पॉइंट, गाड़ी के सभी टायर्स 16 इंचेस के हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पर गाड़ी का स्पेयर व्हील 15 इंचेस का है, जो कि अगर आप इस 15 इंच के स्पेयर व्हील को लगाकर ऑफरोडिंग में या फिर खराब रास्तों पर ड्राइव करते हो तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, और ये थोड़ा बहुत दिखने में भी अजीब लगेगा। 8th निगेटिव पॉइंट, राइड एंड हैंडलिंग। सेल्टोस के समान ही सोनेट में भी फ्रंट सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है,
जो कि गाड़ी के राइड एंड हैंडलिंग को बहुत ही हार्ड बनाता है। सिर्फ हाई स्पीड पर ही नहीं बल्कि लो स्पीड पर भी गाड़ी को चलाते वक्त अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ऊपर से टूटी हुई भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर किया सोनेट की राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और बेहतर हो सकती थी, जबकि सेगमेंट के हुंडई वेन्यू की राइड एंड हैंडलिंग बहुत ही बेहतर है। 9th निगेटिव पॉइंट, अगर आपको किया सोनेट को फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ खरीदना है तो एक ही वेरियंट है GTX प्लस, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो आप HTK प्लस वेरियंट भी खरीद सकते हो, पर यह वेरियंट भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां और खामियां हैं। जैसे कि HTK प्लस में फॉलो मी हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, पर इस HTK प्लस में हेडलैम्प्स हेलोजन मिल जाते हैं, जबकि आज के समय में एक 6 से 7 लाख की गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, पर किया सोनेट एक वैल्यू फॉर मनी कार में नहीं मिल पाते। HTE, HTK और HTK प्लस में हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। कम से कम किया मोटर्स वालों को मिड वेरियंट में तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देने चाहिए थे। 10th निगेटिव पॉइंट, गाड़ी में 60:40 स्प्लिट सीट्स नहीं मिल पाते, जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में ये ऑप्शन मिल जाता है। इसकी वजह से आप गाड़ी के लगेज डिपार्टमेंट को और भी बढ़ा सकते हो। वैसे ये फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो किया सोनेट में मिसिंग है, और किया मोटर्स की आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा सकता। तो यही थे किया सोनेट के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स। अगर इन पॉइंट्स के अलावा और कोई पॉइंट्स कवर करना रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।